को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन मौजूद रहते हैं या कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं। अगर हम पहले कैरेक्टर की बात करें तो इसमें है एक बॉय यानी एक लड़का है जिसको नाम दिया गया है लिटिल प्रिंस। दूसरा जो इंसान है वो है एक बिजनेसमैन, ठीक है। जो ये लड़का रहता है इसको ट्रेवलिंग करना काफ़ी पसंद रहता है। ये ट्रेवलिंग करता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक। और ये जो बिजनेसमैन है ये बेसिकली क्या करता है कि जो स्टार्स होते हैं आसमान में उनको काउंट करता है और उसको एक पेपर पर लिख कर रख लेता है। और जब वो पेपर पर लिख कर रख लेता है तो ये जो बिजनेसमैन है कहता है कि जो वो स्टार दिख रहे हैं आसमान में वो मेरे स्टार हैं। मीन्स कि ये जो बिजनेसमैन है वो उस स्टार पर अपना हक जमाने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिटिल प्रिंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स इन द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी जो लिटिल प्रिंस एक तरह का बुक्स का नाम है जो फ्रेंच लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये काफ़ी पॉपुलर बुक्स है। इसको सबसे पहले 1943 यानी 1943 में पब्लिश किया गया था। अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर में एक छोटे से बच्चे के बारे में यानी लिटिल बॉय के बारे में बताया गया है जो क्या करता है एक छोटे छोटे प्लेनेट को या प्लेनेट से ट्रेवल करता है या यूनिवर्स में ट्रेवल करता है। इसके बाद से ट्रेवल करते हुए ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां पे जो बिजनेसमैन होता है उस प्लेनेट का हम बोल सकते हैं ऑनर होता है या अपने आप को उस प्लेनेट का ऑनर कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फोर्थ प्लेनेट बिलोंग्स टू अ बिजनेसमैन। दिस मैन वॉज सो ऑक्यूपाइड दैट ही डिड नॉट इवन रेज हिज हेड एट द लिटिल प्रिंस अराइवल। गुड मॉर्निंग, द लिटिल प्रिंस सेड टू हिम, योर सिगरेट हैज़ गॉन आउट। क्या होता है, जो फोर्थ प्लेनेट है इसमें बताया जा रहा है कि वो बिजनेसमैन का था और ये छोटा सा जो बच्चा होता है लिटिल बॉय होता है लिटिल प्रिंस होता है वो उस प्लेनेट पर ट्रेवलिंग करने के लिए जाता है। तभी वो क्या देखता है कि वो जो बिजनेसमैन है उस लिटिल प्रिंस के आगे नहीं झुक रहा है। मीन्स कि वो उसको सम्मान नहीं दे रहा है। लेकिन जो लिटिल प्रिंस है वो गुड मॉर्निंग कह रहा है किसको, बिजनेसमैन को, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तभी जो छोटा लड़का है वो कहता है उस बिजनेसमैन से, योर सिगरेट हैज़ गॉन आउट। सिगरेट का मतलब कि स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है। तो वो जो लिटिल प्रिंस होता है वो कहता है कि जो आपकी सिगरेट है वो बुझ चुकी है। तभी क्या होता है, वो जो बिजनेसमैन है वो अपने स्टार्स को मीन्स कि आसमान में जो भी स्टार्स देखते हैं उसको काउंट करने में वो बिजी रहता है, वो लिटिल प्रिंस की बातों को ध्यान नहीं देता है। 3 and 2 makes 5, 5 and 7 makes 12, 12 and 3 makes 15। यानी इस तरह से जो बिजनेसमैन है ये स्टार्स की काउंटिंग करता है आकाश में। गुड मॉर्निंग कौन बोलता है, फिर से लिटिल प्रिंस गुड मॉर्निंग बोलता है उस बिजनेसमैन को, लेकिन फिर से जो बिजनेसमैन है उस लिटिल प्रिंस को रिस्पॉन्स नहीं देता है। 15 and 7 make 22, 22 and 6 makes 28, आई हैवन टाइम टू लाइट इट अगेन। इसके बाद जैसे ही ये काउंट कर रहा होता है बिजनेसमैन, तभी एक बात कहता है लिटिल प्रिंस से कि मेरे पास इस सिगरेट को जलाने के लिए टाइम नहीं है। आई हैवन टाइम टू लाइट इट अगेन। 26 and 5 make 31, मीन्स कि वो काउंट पे काउंट करते जा रहा था, ठीक है, और वो कहता है कि मेरे पास इस सिगरेट को जलाने के लिए टाइम नहीं है, वो अपने काम में बहुत ही बिजी था। फिर से क्या कहता है बिजनेसमैन, देन दैट मेक्स 500 and 1,622,731, 500 million व्हाट, आस्क द लिटिल प्रिंस। इसके बाद से जैसे ही वो लिटिल प्रिंस देखता है कि जो बिजनेसमैन है क्या काउंट कर रहा है, मतलब को देखते देखते परेशान हो जाता है, तो पूछता है कि 500 million व्हाट, पूछता है आखिर में तुम क्या कर रहे हो, क्या चीज काउंट कर रहे हो। तो देखते हैं जो बिजनेसमैन होता है वो क्या जवाब देता है, आर यू स्टिल देयर, 501 millions, आई कांट स्टॉप, आई हैव सो मच टू डू। इसके बाद से कहता है बिजनेसमैन, अरे तुम अभी तक यही हो। और फिर से वो काउंट करने लगता है, वो कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, आई एम कंसर्न विद द मैटर्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी मैं अपने काम में बहुत ही व्यस्त हूँ, आई डोंट अम्यूज माई सेल्फ विद ब्लैडर डैश। ब्लैडर डैश का मतलब होता है बकवास, यानी तुम्हारे फालतू की चीज़ों में मैं या तुम्हारी बकवास की चीज़ों में मैं कोई भी रुचि नहीं रखता हूँ, या मैं
अपने आप को इससे इंटरटेन नहीं करूंगा, कहने का मतलब है 2 and 5 make 7। इसी तरह से काउंटिंग वो करता जा रहा था बिजनेसमैन। 501 million व्हाट रिपीट द लिटिल प्रिंस हु नेवर इन हिज लाइफ हैड लेट गो ऑफ क्वेश्चंस वंस येट आस्क इट। अब इसके बाद से फिर से क्वेश्चन करता है वो छोटा सा बच्चा कि आप क्या काउंट कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, द बिजनेसमैन रेस्ट हिज हेड। इसके बाद से जो बिजनेसमैन होता है वो अपने सर को उठाता है, मींस कि उसके तरफ देखता है। ड्यूरिंग द 54 years दैट आई हैव इनहैबिटेड दिस प्लेनेट, बिजनेसमैन कहता है कि मैं 54 साल पहले यानी 54 years ago यानी पहले मैं इस प्लेनेट को क्या कर लिया हूँ, कब्जा कर लिया हूँ, या जो प्लेनेट है मैं इस पर बसा हुआ हूँ। आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड ओनली 3 times और मैं 54 साल में यानी 54 years में सिर्फ 3 बार ही डिस्टर्ब हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम्स वॉज 22 years ago यानी पहली बार जब मैं डिस्टर्ब हुआ था तो 22 साल पहले डिस्टर्ब हुआ था। When some giddy goose fell from goodness knows where, यानी कहता है कुछ अंबों से, गूस का मतलब क्या होता है, एक तरह का हंस होते हैं, वो कहता है कि जब वो हंस थे वो कहीं से गिर रहे थे और वो काफ़ी नॉइज कर रहे थे, तब जाकर मैं क्या हुआ था, जब पूरा ये जगह था क्या था, रिसाउंड हो गया था, रिसाउंडेड मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो गया था, तब मैं डिस्टर्ब हुआ था। आई हैव मेड 4 mistakes और इसके बाद से कहता है कि मैं 4 गलतियाँ और किया हूँ। इन माई एडिशंस द सेकेंड टाइम्स 11 years ago और जो दूसरी बार मैं डिस्टर्ब हुआ वो 11 साल पहले हुआ था। आई वॉज डिस्टर्ब्ड बाई एन अटैक ऑफ रिमेटिज्म। रिमेटिज्म क्या होगा, अ डिजीज दैट मेक्स द मसल्स एंड ज्वाइंट्स पेनफुल, यानी एक तरह की बीमारी होती है जो आपकी हम बोल सकते हैं मसल्स और जो ज्वाइंट्स होती है वो पेन होती है। तो कहता है जब मेरे बॉडी में जो ज्वाइंट्स हैं वो पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तब मैं डिस्टर्ब हुआ था दूसरी बार। आई डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज और मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया था। आई हैव नो टाइम फॉर लोफिंग, अब मुझे बकवास करने के लिए, मेरे समय बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। लोफिंग का मतलब होता है समय नष्ट करना। द थर्ड टाइम्स वेल दिस इज इट, यानी जो तीसरी बार मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ ये तुमसे हुआ हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो और मैं तुम्हारा क्वेश्चन सुन के काफ़ी परेशान हो गया हूँ। आई वॉज सेइंग देन 501 millions, मिलियंस ऑफ व्हाट, अब फिर से वो बिजनेसमैन काउंट कर रहा था, तभी कहता है मिलियंस ऑफ व्हाट, यानी किस मिलियंस की बात कर रहे हो, क्या तुम काउंट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। द बिजनेसमैन सडनली रियलाइज दैट देयर वाज नो होप ऑफ बीइंग लेफ्ट इन ए पीस अंटिल ही आंसर्ड दिस क्वेश्चन। इसके बाद से बिजनेसमैन सोचता है कि अरे यार जब तक मैं लगता है इसका आंसर नहीं दूंगा तब तक ये मेरा पीछा नहीं।